Hello students, welcome to Bboard and let us see the solution of this question. And the question is, a train does a non-stop journey for 8 hours. If it had travelled 5 km an hour faster, it would have done the same the journey in 6 hours 40 minutes. What was the original speed of the train? ठीक है ना, तो इसके options आप देख सकते हैं कि ये सारे options हैं इसके, ठीक है, 35, 25, 40 and 30. तो चलिए इस question को solve करते हैं. Question ये बोल रहा है कि एक train है, अगर ये नॉन स्टॉप एक जर्नी को कवर करती है तो इसको 8 घंटे लगते हैं. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी. ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं. ठीक है ना, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ इट हैड ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर फास्टर, मतलब यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे तेज से यात्रा करती, मतलब अगर इसकी स्पीड एक्स प्लस 5 हो जाती, ठीक है, तो यह यात्रा 6 घंटे 40 मिनट में पूरा हो जाती. मतलब पहले 8 घंटे लग रहा था, अब लगता 6 घंटे 40 मिनट. ठीक है, अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो हो जाएगा 6 2/3, या फिर मैं कहूँ 20/3 आवर्स. ठीक है, 20/3 है, इसको फिर से लिख देता हूँ, 20/3 आवर्स. ठीक है, तो डिस्टेंस सेम रहेगा. तो अब हम बताना है ट्रेन की वास्तविक स्पीड, मतलब वास्तविक स्पीड क्या थी, x. तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है दोनों कंडीशन में, तो मैं इक्वेशन बनाता हूँ कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो पहले स्पीड कितनी थी x एंड टाइम कितना था 8 आवर्स. ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, स्पीड हो गई x प्लस 5 और आपका टाइम हो गया 20/3. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 20/3x प्लस 100/3. ठीक है, एक्स वाले टर्म्स को एक साइड ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 8x माइनस 20/3x. ठीक है, इक्वल्स टू 100/3. इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 24, हाँ 37, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 8 24 माइनस 20 दैट इज़ 4x/3 इक्वल्स टू 100/3. तो 3 3 कैंसिल आउट, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100/4 दैट इज़ 25, है ना. तो आपका आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो आई होप यू लाइक द सोल्यूशन. थैंक यू.